वी विल डिस्कस अबाउट डिपेंडेंटी टेस्ट, आश्रित टी परीक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। दिस प्रेजेंटेशन इज डिवाइडेड इंटू टू डिफरेंट पार्ट्स। इस पूरे प्रस्तुतिकरण को दो विभिन्न भागों में बांटा गया है। पहले भाग में चर्चा करेंगे टी टेस्ट एंड इट्स टाइप्स, टी परीक्षण और उसके प्रकारों के बारे में। दूसरे भाग में चर्चा करेंगे डिपेंडेंटी टेस्ट की। वी विल डिस्कस अबाउट डिपेंडेंटी टेस्ट इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। पहले भाग से शुरू करते हैं, टी टेस्ट एंड इट्स टाइप्स, टी परीक्षण और इसके प्रकार। टी टेस्ट की परिभाषा के बारे में यदि हम बात करते हैं, टी टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू सैंपल्स। टी परीक्षण वो सांख्यिकीय तकनीक है जो दो समूहों के माध्यों के बीच सार्थक अंतर ज्ञात करती है। देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। टी टेस्ट तीन विभिन्न प्रकार के हैं, इनडिपेंडेंट टी टेस्ट, स्वतंत्र टी परीक्षण, डिपेंडेंट टी टेस्ट, आश्रित टी परीक्षण, और तीसरा है वन सैंपल टी टेस्ट, एक न्यायदर्श टी परीक्षण। आउट ऑफ ऑल दीज थ्री टी टेस्ट, इन तीनों टी परीक्षणों के की चर्चा न करते हुए हम केवल एक टी परीक्षण की चर्चा करेंगे, दूसरे की, डिपेंडेंट टी टेस्ट, आश्रित टी परीक्षण की। डिपेंडेंट टी टेस्ट से शुरू करते हैं दूसरे भाग में। द डिपेंडेंट टी टेस्ट इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू डिफरेंट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ ए प्री एंड पोस्ट ऑफ द सेम सैंपल्स ऑफ द सेम ग्रुप। एक ही समूह के दो विभिन्न आंकड़ों के बीच सार्थक अंतर ज्ञात करने के लिए जिस सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग हम करते हैं वो कहलाती है डिपेंडेंट टी टेस्ट, आश्रित टी परीक्षण। दिस टेक्निक, दिस डिपेंडेंट टी टेस्ट, यह टेक्निक, आश्रित टी परीक्षण, इसके विभिन्न नाम और हैं। एक नाम की चर्चा तो हम कर चुके हैं, डिपेंडेंट टी टेस्ट। इसको जाना जाता है कोरिलेटेड टी टेस्ट के नाम से भी। दिस इज नोन बाय द नेम कोरिलेटेड टी टेस्ट। इसका एक अगला नाम और भी है, इसको जाना जाता है पेयर टी टेस्ट के नाम से। दिस इज नोन बाय पेयर टी टेस्ट एंड दिस इज ऑल्सो नोन बाय रिपीटेड मेजर टी टेस्ट। इसको रिपीटेड मेजर टी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। सूत्र की बात करते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज टी रेशियो इज इक्वल टू डीएम। डीएम मीन्स डिफरेंट बिटवीन मीन्स। हमारे पास दो मीन्स होंगे, इसमें एक प्री का मीन होगा, एक पोस्ट का मीन होगा। सिंस वी आर गोइंग टू कंपेयर टू डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सेम ग्रुप, डीएम डिवाइडेड बाय अंडर रूट एस डी वन स्क्वायर मीन्स स्टैंडर्डेशन वन स्क्वायर अपॉन एन वन प्लस स्टैंडर्डेशन टू स्क्वायर अपॉन एन टू माइनस टू आर। आर इज ए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन टू स्टैंडर्डेशन वन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन फर्स्ट ग्रुप अंडर रूट into standardization 2 divided by under root of n2। एक काल्पनिक उदाहरण के साथ इसको समझने का प्रयास करते हैं। अध्ययन का शीर्षक है इफेक्ट ऑफ ड्रग एक्स ऑन लिम्फोसाइट्स ऑफ पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। कि पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिम्फोसाइट्स पर ड्रग एक्स का प्रभाव। सब्जेक्ट्स फॉर द स्टडी, यह अध्ययन कुल 45 मेल सब्जेक्ट्स पर आयोजित किया गया। टोटल ऑफ 45 मेल सब्जेक्ट्स वर सिलेक्टेड फ्रॉम पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी। लिम्फोसाइट्स वर मेजर्ड और उन सब का लिम्फोसाइट्स का मापन किया गया ट्वाइस, दो बार, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट, प्री टेस्ट के रूप में और पोस्ट टेस्ट के रूप में। एंड वन वीक ड्रग एक्स वॉज गिवन और एक हफ्ते तक प्री और पोस्ट के बीच में एक हफ्ते तक ड्रग एक्स प्रदान की गई सभी 45 सब्जेक्ट्स को। उद्देश्य, इस अध्ययन का उद्देश्य था, द ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन ड्रग एक्स इफेक्ट ऑन द लिम्फोसाइट्स ऑफ पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। इस अध्ययन का उद्देश्य पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिम्फोसाइट्स पर ड्रग एक्स का प्रभाव ज्ञात करना है। परिकल्पना की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट हाइपोथेसिस, द रिसर्चर फॉर्मुलेटेड द हाइपोथेसिस, अनुसंधानकर्ता ने परिकल्पना का निर्माण किया। इट इज हाइपोथिसाइज दैट ड्रग एक्स विल नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द लिम्फोसाइट्स ऑफ पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। यह परिकल्पना की जाती है कि ड्रग एक्स का
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिम्फोसाइट्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस परिकल्पना का निर्माण किया गया शोधार्थी द्वारा, द स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाइड, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं डिपेंडेंटी टेस्ट की, तो टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ ड्रग एक्स ऑन द लिम्फोसाइट्स ऑफ पंडित रविशंकर शुक्ला एवं स्टूडेंट्स द डिपेंडेंटी टेस्ट इज यूज्ड। डिपेंडेंट टी टेस्ट, आश्रित टी परीक्षण का उपयोग किया गया ड्रग एक्स के प्रभाव को ज्ञात करने के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिम्फोसाइट्स पर। गणना की बात करते हैं, कैलकुलेशन की बात करते हैं। हम इसके लिए हमें जो मेजर्स चाहिए, जो माप चाहिए, पहले दोनों समूह का मीन चाहिए। दोनों समूह से मेरा अर्थ है प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट, और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। प्री का भी स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, पोस्ट का भी स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। हमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स चाहिए और हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन चाहिए, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। तो हमारे इस काल्पनिक उदाहरण में प्री टेस्ट का मीन है 38.4, पोस्ट टेस्ट का मीन है 40.7, स्टैंडर्ड डेविएशन प्री टेस्ट का हमारे पास है 6.1, पोस्ट टेस्ट का 6.3, एंड सिंस दिस स्टडी वाज कंडक्टेड ऑन 45 सब्जेक्ट्स, द एन इज 45 एंड द ऑब्टेन्ड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0.92। और जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जिसकी आवश्यकता हमें है वो पाया गया 0.92। इफ वी पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, यदि हम इन सभी वैल्यूज को फॉर्मूले में रखते हैं, सूत्र में रखते हैं, कि डीएम डिफरेंस बिटवीन मींस 38.4 माइनस 40.7 इसमें रखा डिफरेंस, दे प्लीज नोट ऑल द वी शुड कीप इन आवर माइंड दैट द डिफरेंस बिटवीन मीन्स कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू, वी शुड टेक केयर अबाउट दैट। तो दैट इज 38.4 माइनस 40.7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट स्टैंडर्डाइजेशन 1 स्क्वायर मींस 6.1 स्क्वायर अपॉन n1, n1 इज 45, प्लस स्टैंडर्डाइजेशन 2 स्क्वायर अपॉन n2, दैट इज 45, एंड माइनस 2 इनटू r, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0.92, पुट द वैल्यू दैट इज 0.92 एंड डिवाइडेड बाय n1 into SD1, SD1 is हमारा 6.1 divided by N1 under root, the 45 under root, and next into standard deviation 2 is 6.3, put this value in the formula, 6.3 divided by N2 under root, that is 45 under root, and the calculated T value in this hypothetical example is 6.35. Now, we have to calculate a tabulated T value, and in this, the degree of freedom is N minus 1. In our example, N is 45. The degree of freedom will be N minus 1 means 44 point minus 1. 45 minus 1, that is 44. And we have to see the value at 0.05 level of significance. So if we see this, the tabulated value, at 44 degree of freedom at 0.05 level of significance, तो ये देखिए आप, ये 0.05 level of significance है। यहाँ पर हम देखेंगे 44 degree of freedom, we are seeing near to this 40, and our obtained value is 2.042. our calculated value, we have discussed about the calculated value previously, and our tabulated value is 2.042. Now, how to draw conclusions? हम निष्कर्ष कैसे निकालें? निष्कर्ष निकालने के लिए हमें दोनों ही वैल्यू चाहिए, कैलकुलेटेड टी वैल्यू चाहिए और टेबुलेटेड टी वैल्यू भी चाहिए। हमारे इस काल्पनिक उदाहरण में कैलकुलेटेड टी वैल्यू है 6.35 और टेबुलेटेड टी वैल्यू है 2.02 44 डिग्री फ्रीडम पर। इफ द कैलकुलेटेड टी वैल्यू इज ग्रेटर देन द टेबुलेटेड टी वैल्यू, यदि कैलकुलेटेड टी वैल्यू टेबुलेटेड टी वैल्यू से अधिक है, इन दैट केस सिग्निफिकेंट डिफरेंस इज देयर, उस दशा में हमारा निष्कर्ष होगा कि दोनों ऑब्जर्वेशंस के बीच, जो हमारे इस एग्जांपल में प्री और पोस्ट हैं, दोनों के बीच सार्थक अंतर है। दूसरी तरफ इफ द कैलकुलेटेड टी वैल्यू इज द लोअर देन द टेबुलेटेड टी वैल्यू, इन दैट केस नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इज देयर, यदि हमारी जो गणना की गई टी वैल्यू है, कैलकुलेटेड टी वैल्यू है, वो कम है टेबुलेटेड से, उस दशा में कोई सार्थक अंतर दोनों ऑब्जर्वेशंस के बीच, प्री और पोस्ट के बीच नहीं है, यह निष्कर्ष हमारा होगा।
तो हमारे इस एग्जाम्पल में निष्कर्ष होगा, सिंस द कैलकुलेटेड टी वैल्यू इज हायर देन द टेबलेटेड टी वैल्यू, ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस इज फाउंड बिटवीन द प्री एंड पोस्ट टेस्ट, इट मीन्स देर इज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ ड्रग एक्स ऑन लिम्फोसाइट्स। क्योंकि हमारे इस उदाहरण में जो कैलकुलेटेड वैल्यू है 6.35 वो अधिक है टेबलेटेड वैल्यू से जो है 2.02, तो हमने निष्कर्ष निकाला कि दोनों प्री और पोस्ट के बीच में, दोनों ऑब्जर्वेशंस के बीच में सार्थक अंतर पाया गया है, और ड्रग एक्स का जो एक सप्ताह तक जो ड्रग एक्स दी गई इस सैंपल्स को 45 स्टूडेंट्स को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के, उन पर सार्थक प्रभाव पड़ा, उनमें लिम्फोसाइट्स में इम्प्रूवमेंट हुआ। तो निष्कर्ष निकला यदि लिम्फोसाइट्स की मात्रा बढ़ानी है उस दशा में ड्रग एक्स प्रभावशाली है, इस काल्पनिक उदाहरण के निष्कर्षों के अनुरूप। तो वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डिपेंडेंट टी टेस्ट, आश्रित टी परीक्षण के उपयोग के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। थैंक यू।